बार निगम जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मौसम देख के रंग बदलते हैं, देख लिया, कार मिला, सब कुछ तो है इसमें, पर पाएगा कौन? पाएगा कौन? करेगा। एक लाइन इसके बाद शुरू होती है, प्लान समझ में आया है तो भी ठीक है, नहीं आया है तो बार बार देखने से आ ही जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है, गरीबी और पी मार्ट में छिड़ी है जंग, फैसला आपको लेना है, रहेंगे किसके संग। दोस्तों, हमारे बीच में जिनकी वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, हमारे बीच में इंजीनियर साहब आए हैं, इनके लिए बहुत जोरदार ताली बजाइए ताकि आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। मित्रों, साढ़ू भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। एक जगह फंसाए दोस्तों, साढ़ू भाई एक बार दिखा दीजिए। स्वागत है। कोई बात नहीं, यहाँ बिंदास होने का ही है। मित्रों, जब इन्होंने बुलाया और हमने सेटअप देखा, अनुभव तो था ही, कंपनी का देखा, सीएमडी तो नहीं मिले, सीएमडी से बात हुई, फिर फैसला लेना था, डिसीजन का। डिसीजन ही आदमी को सब कुछ बना देता है। आप जैसा डिसीजन लोगे वैसा, देखिए सच्चाई क्या है कि परमात्मा का जो भी फोटो आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे हाथ लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, अभय मुद्रा में उनका एक ही संदेश होता है, यस। आप जो भी मांगेंगे यस, जो भी मांगेंगे वो यस। अब आपके ऊपर आप क्या मांगेंगे, आप करोड़ों मांगेंगे तो यस, आप अमीर होना चाहते हो यस, आप गरीब होना चाहते हो तो यस, आप अपने ही, आप जो चाहते वही मिलता है। तो जैसे मैंने देखा, यहां से हुआ कि इसके सेटअप को देखा तो जो दुनिया के पहले अमीर व्यक्ति थे, पहले करोड़पति व्यक्ति थे, उन्होंने एक सिद्धांत बनाया था कि क्या किए, क्योंकि एक दो ही चीज जिम्मेदारी दी गई है, इस बिजनेस को हम क्यों करें और कैसे करें। समय है केवल 10 मिनट, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्यों करें, कैसे करें और समय है 10 मिनट। हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में ही वो चीज किया जाए जो आपकी जिंदगी बदल दे। उन्होंने बताया था कि अगर था प्रोडक्ट कैसा हो, आप जिस सिस्टम को ज्वाइन करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट कैसा हो, आपने जमीन ले लिया, एक बार लिया, गाड़ी लिया, कितने दिन में बदलेंगे, तो वहां क्या था, उस कंपनी में काम करना चाहिए, उस प्रोडक्ट बेस पे काम करना चाहिए जो एफएमसीजी प्रोडक्ट हो। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो तेजी से खपत होने वाला, लाजवाब खपत हो गया, वो चीज यहां मिली। यहां देखा कि वो वही चीज है जिस पर लोग मरते हैं, जिसको रोज, मतलब आदमी धरती पे आया, आने से पहले भी तो कपड़ा में लपेटा जाता है क्या, माँ की दूध पीने से पहले बच्चे को, यहाँ कपड़ा भी है और मरने के बाद तक जिस सामान का यूज करता है वो हर चीज अप टू बॉटम इस स्मार्ट में मिल रही है, यानी इस बिजनेस को किया जा सकता है। जो मुझे लगा वो चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, हर आदमी को क्या क्या लगता है अलग की बात है। तीसरी चीज तो 2000 घंटे काम पर डे होता है, अमीर कौन बनेगा साहब, अमीर कौन बनेगा, जिसके लिए लोग काम करते हो, जिसका टाइम वही है लेकिन उसकी घंटे काम करने की संख्या चली जाती है। तीसरा, ट्रांसफरेबल हो, यानी आज हमारे बीच में बहुत ऐसे साथी नहीं भी आए हैं लेकिन उनका बिजनेस आगे नहीं आया है, उनके लोग यहाँ आए हैं, यानी किसी कारणवश आप सपोज करिए अपना व्यवसाय दुकान खोलते हैं, हो सकता है आप ना जाए तो शटर गिर जाएगा, क्यों साहब, शटर खुलेगा तभी तो काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, वकील हैं, आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं अगर आप ना जाएं तो आपका काम चलेगा क्या? थोड़ा मुड़ी हिलाइए, जिंदा रहने का साबूत दीजिए। जिंदा लोग मुस्कुराते हैं, जिंदा लोग मुड़ी हिलाते हैं, जिंदा लोग ताली बजाते हैं। बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अन्य जगह पे जो भी व्यवसाय करेंगे वहां आप जाएंगे तो काम होगा, कोई कोई ऐसा डिसीजन लेना जो आपके बगैर हो, सही चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि एक आप कैसे बच गए, तो जब पायलट हवाई जहाज चला रहा था तो पायलट क्या कर रहा था, तो उसने बताया कि पायलट क्या कर रहा था, सो रहा था। अच्छा, पायलट सो रहा था, अच्छा जितने यात्री बैठे थे वो क्या कर रहे थे, तो कहे सारे यात्री जो है
इशारा किया, मतलब सारे यात्री भी सो रहे थे, तो कहा तू क्या कर रहा था? कहा मतलब मैं ड्राइविंग कर रहा था। इसलिए बंदर जब ड्राइविंग करेगा तो एक्सीडेंट होगा। आज मैं बताऊं आपके बीच में, एक बार सीएमडी साहब के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। जिस जहाज पे हम लोग बैठे हैं, जिस यात्रा को हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिस सपने को पूरा करने के लिए हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, वो सपने पूरा कराने वाला ड्राइवर कौन है उसे भी देखना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। जब मैं इसके सीएमडी साहब से मिला तो मुझे लगा नहीं, ये आदमी छोड़ेंगे नहीं। जगन्नाथ जी को जोरदार ताली बजा दीजिए। उन्होंने कहा छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आप भी मिलेंगे, उनकी आंखों में देखेंगे, आके डाल के बात करेंगे, उनके सपनों से बात करेंगे, तो आपके समझ में आएगा नहीं, इस आदमी के साथ साथ देना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में सिस्टम को हमने डिसीजन लिया, सर से बात कराया, इंजीनियर साहब ने कहा क्या किया जाए, काम किया, इन्होंने कहा हाँ काम किया जा सकता है। तो लोगों के सपने को पूरा करने के लिए अभियान शुरू हुआ। इस तरह से आप भी, अगर सिद्धांत अमीर है, दुनिया का एक पहला अमीर आदमी बताया, उस पर चल के बहुत सारे लोगों ने अपने सपने पूरा किए, तो हम आप भी कर सकते हैं। वो और कहीं नहीं है, वह केवल एक ही जगह प्लेटफॉर्म जो दिखता है, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई, जिसकी इतिहास पूरी दुनिया में जाने वाला है, पढ़ने वाला है, वह इतिहास के आप गवाह बनने वाले हैं, उसके लीडर बनने वाले हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वो केवल एक ही जगह है, वो है क्या? पी मार्ट। एक बार जोरदार ताली बजाएं पी मार्ट के लिए। दोस्तों इस बिजनेस के करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज देखना है, आज इतिहास गवाह है, वीडियोग्राफी हो रही है, एक प्रगति का ही सिस्टम होता है, हर आदमी तरक्की करता है। हम आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाने का प्रयास करते हैं। हम लोग किसके वंशज है साहब? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हम लोग बंदर के वंशज है, इतिहास में जाए बंदर के वंशज हैं। सिर्फ है कि हमारे पास पूछ नहीं, पूछ कैसे गई वो घिस करके गई। देखिए जब हमारे आपके बीच से उन बंदरों में से कुछ बंदर जब उठ के दो पैर पे चलना शुरू किए तो एक दिन में चल जाता है क्या लड़का? उसी तरह से जैसे ही चार पैर से दो पैर पे उठे वैसे गिर गए। जब गिर गए तो और जो बंदर थे वो क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे। लेकिन उन्होंने सोच लिया था, डिसीजन ले लिया था कि हमें कुछ नया करना है, चलना चाहिए। तो दो पैर पर चलते, गिरते उठते चलना शुरू कर दिए। फिर उन्हें समझ में आया कि हमें कुछ लपेटना चाहिए, शरीर नंगा नहीं रहना चाहिए। तो पेड़ों की छाल लपेटे, पत्तों को लपेटा, फिर आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो कच्चे मांस खाते थे जानवर के, फिर उनके दिमाग में नहीं हमें पके हुए मांस खाना चाहिए, आग का आविष्कार हुआ, लोहे के पहिए का आविष्कार हुआ। धीरे 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 विकास की सभ्यता पनपी और आज हमारे आपके बीच में से कुछ ऐसे हैं जो चांद पर भी जाकर पहुंचे, नहीं पहुंचे साहब? पहुंचे हैं, मंगल पर पहुंच गए। मंगल, एक बार जोरदार ताली सर बजाइए। त्रिवेदी जी ने कहा मंगल पर भी मंगल करने पहुंच गए हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं एक तरफ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक हमारे बीच में एक मदारी आता है, एक बंदर होता है, उसके गले में पट्टी होती है, वो नचाता है, कहता है नाच मेरे बंदर तुझे पैसा मिलेगा। मिलता नहीं मिलता साहब? ध्यान आपका किधर है? एक बार द्विवेदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि आज अगर इस पॉइंट को समझ गए आप तो शायद सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। नाचने वाला बंदर, नचाने वाला बंदर और पैसा फेंकने वाला भी बंदर, अंतर क्या है साहब तीनों में? अंतर क्या है तीनों में? नाचने वाला भी बंदर जिसके गले में पट्टी है, नचाने वाला भी बंदर और पैसा देने वाला भी बंदर, अंतर क्या है साहब? अंतर सिर्फ एक है, जो नचा रहा है ये वही बंदर है जो जब दो पैर पर खड़ा हुआ था तो जब गिरा था तो हंस रहा था। नाचने वाला कौन बंदर है साहब? वही बंदर है जो हंस रहा था उस समय, उसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। वह कह रहा था
कि मैं इसे नहीं कर सकता, मैं दो पैर पे नहीं खड़ा हो सकता। ये आदमी ऐसे ही बोलता है। आज हमारे नए साथी आए होंगे, ताली खूब बज रही है, लोग बकवास कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये परिवर्तन का दौर है। 21वीं सदी नेटवर्क की सदी है, यहाँ पे नेटवर्क के लोग ही अमीर बनते हैं। यहाँ पे एक अमीर बनने का, एक लीडर बनने का एक चीज और मैं बताऊं, कली में फूल है तो उसकी कोई कीमत है क्या? क्यों साहब, कली में फूल की कोई कीमत नहीं, उसे खिलेगा तब कीमत होगी। यहाँ पे आपको खुलने का मौका मिलता है। आज के 3 साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, हो सकता है इतिहास जैसे लीडर आते हैं, आप वही में से कुछ लोग हवाई जहाज पे यात्रा करेंगे, कुछ लोग जो है करोड़पति बनेंगे, हाँ कुछ लोग बाद में आएंगे और टाइप बन के घूमेंगे और आपके लिए ताली बजाएंगे। फर्क आपका होगा, आप वहाँ होंगे और वो यहाँ होंगे। डिसीजन आपको लेना है। आप उनके लिए ताली बजाएंगे कि पूरी दुनिया जो बाहर है, जो आज आप पर हंसते हैं, जो आज आपकी बात नहीं सुनते हैं, उनके लिए आप ताली बजाएंगे कि वो आपके लिए ताली बजाएंगे? डिसीजन आपको लेना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों में आएंगे, जाएंगे, करेंगे, धरेंगे, अगर सही से डिसीजन लेकर के, सही प्रक्रिया न बना करके, काली इसके सिस्टम होता है, सिस्टम को फॉलो न करके, क्योंकि सिस्टम कैसे काम करता है, मीटिंग में इनवाइट करना पड़ता है, कॉलिंग करना पड़ता है, प्लान्स को दिखाना पड़ता है, स्टार्टअप कराना पड़ता है, ये 6 बेसिक जो स्टेप होते हैं उनको अपनाना पड़ता है। इन सारे चीज़ों को अपना के आप अमीर बन सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। बोर तो नहीं हो रहा है साहब? ऐसा ना हो कि आज जिस व्यक्ति को आप इनवाइट किए हैं, वो व्यक्ति कल हवाई जहाज से चले, कल ग्लोबल राइज हीरो के पोजीशन को मेंटेन करें और आप छोड़ दें, आपके दबाव में क्लियर ना हो और आपका बेटा पूछे, पापा जब वो आपको पी मार्ट में ले गए थे तो आप क्यों नहीं किए? बगल से गुजरेगा और पूछेगा आप क्यों नहीं किए थे, आपके पास क्या जवाब होगा? आप अच्छे पापा बन सकते हैं, अच्छे पति परमेश्वर बन सकते हैं, अच्छे पिता बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आपके परमात्मा ने जो आपको प्रतिभा दिया है, उस प्रतिभा का उपयोग करके दूसरे को अमीर बना सकते हैं। ऐसा अगर प्लेटफार्म आपको मिला है, इसे करना चाहिए। हो सकता है आज आपको बिजनेस समझ में ना आए, इसको सीखना चाहिए, अपने सीनियर लीडर से सीखना चाहिए। आप अपने सपने को कैसे पूरा करेंगे, आपके यंगडी साहब से मिल के बात करेंगे, वो आपको बताएंगे, उनके साथ चल करके इस कार्यक्रम को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों समय कम है, एक मैसेज के साथ हम आगे ब्रजेश सर बैठे हुए हैं, 10 मिनट इनका भी समय है, अपने करते हैं। कौन सी सफर? कोई भी सफर, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आगे बढ़ने का हौसला तो करो, ऐसे मुसाफिरों के रास्ते भी इंतजार करते हैं।